हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीनदयाल कुमार। सिलटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट क्वांटिटी ऑफ ट्रेपेजोइडल फुटिंग, मतलब ट्रेपेजोइडल या इसको स्लो फुटिंग भी बोलते हैं। इसकी क्वांटिटी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली साइट पर भी बहुत काम आता है। तो चलिए इसे सीखते हैं। ट्रेपेजोइडल फुटिंग दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है बॉटम में रेक्टेंगुलर पार्ट या क्यूबियोड बोलते हैं, और दूसरा होता है टॉप वाला पार्ट जिसको हम ट्रंकेटेड पिरामिड बोलते हैं। इन दोनों का हम अलग अलग क्वांटिटी निकाल के ऐड करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं। हमारा फुटिंग है जिसका क्यूबियोड का साइज है 3 मीटर बाई 2 मीटर और इसकी हाइट है 300 mm और ट्रांसकेटेड की हाइट है 400 mm। टॉप में फुटिंग का साइज है 600 बाई 400 mm। सबसे पहले हम क्यूबियोड का वॉल्यूम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है, एल इंटू बी इंटू एच। एल हमारा 3 मीटर है, बी हमारा 2 मीटर है और हाइट है हमारी 300 mm, तो 0.3 मीटर। तो अपने पास इसका वॉल्यूम आता है 1.8 क्यूबिक मीटर। अब हम निकालते हैं सेक्शन दो का वॉल्यूम या ट्रांसकेटेड पार्ट का वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है H/3 cos A1 + A2 + √A1 A2, जहाँ A1 ट्रांसकेटेड पार्ट का टॉप वाले भाग का एरिया है जिसकी लंबाई है 600 mm और चौड़ाई है 4 mm। तो अपने पास एरिया आता है 0.24 मीटर स्क्वेयर। A2 है बॉटम वाले पार्ट का एरिया जो कि लेंथ है 3 मीटर और चौड़ाई है इसकी 2 मीटर, तो एरिया आ गया अपने पास 6 मीटर स्क्वेयर। और एज यहाँ पे ट्रांसकेटेड पार्ट का हाइट है जो कि हमारा है 0.4 मीटर या 400 mm। अब हम वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करते हैं। H/3, एज हमारा 0.4/3 cos A1 हमारा 0.24 + A2 हमारा 6 + √A1 0.24 × A2 6। तो इसे कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास आता है 0.992 क्यूबिक मीटर। अब हम क्यूबियड और ट्रांसकेटेड पार्ट को वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो टोटल वॉल्यूम आते हैं अपने पास 2.792 क्यूबिक मीटर। तो इस प्रकार हम ट्रेपेजोइडल फुटिंग की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और साइट पर भी इसका बहुत काम आता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।